अरे बेटा उठो, कुछ खा लोगी ना तो फ्रेश हो जाओगी। रिदा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाई, बस तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो आओ, उठो, तुम्हें डॉक्टर के ले जाते हैं। नहीं नहीं मैं तो बस इवेंट की वजह से थक गई हूँ। इवेंट कैसा रहा तुम्हारा? बहुत मजा आया। पता है रुशना मेरी इतनी तारीफें कर रही थी कि मैं बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने बहुत अच्छी पंजाबी बोली और सना अब देखिए भाई से, अभी तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब कैसी चार्ज हो गई है। हाँ हाँ इसके साथ यही है, इसके कॉलेज और फ्रेंड्स की बात करो, फौरन चार्ज हो जाती है ना भाई। अच्छा खाना लगवाऊं? नहीं अम्मी जी, मेरे लिए तो खाना मत लगवाइएगा, मैं खाना खा कर आया हूँ और वैसे भी बहुत थक गया हूँ, तो बस अब थोड़ा रेस्ट करूँ। हातिम भाई मुझे बुक्स लेने जानी थी, की बुक्स लेनी है प्रिपरेशन करने एग्जाम की, आप मुझे ले जाएंगे? अरे उसे तो खाना खाने दो। अम्मी खाना आके खा लेंगे इसको बुक। हाँ ना हम जल्दी आ जाएंगे, बस अपनी चीजें ले लो। हातिम भाई मुझे रुशना इतनी पसंद है ना, अगर उसका शहराज के साथ निकाह ना हुआ होता ना तो मैं उसे अपनी भाभी बना लेती। अच्छा शमीला भाभी की जगह? अरे नहीं भाई, शमीला भाभी क्यों, आपकी शादी कराती ना मैं उससे। मेरी शादी कराती तुम? और नहीं तो क्या। अच्छा सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर लोगी? बिल्कुल। और अगर मुझे पसंद नहीं आती फिर? कैसे पसंद नहीं आती, मुझे पता आप मेरी चॉइस को कभी रिजेक्ट करते ही नहीं। वो बात अपनी जगह, लेकिन शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। है? अच्छा खैर बाद में देखेंगे, तुम्हें बुक्स लेनी है। हाँ जी। ये ले, आपके लिए स्पेशल कावा। जब से शमीला की शादी की बात शुरू हुई है तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो गया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन अब ये जरूर लग रहा है कि जिंदगी में ना अब हर तरफ सुकून होने वाला है। जानता हूँ भाई, चची जान से मुझे कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन शलीना है ना वो आफत की परकाला है। अरे हाँ आपने लोन अप्लाई कर दिया? मेरा मूड तो बिल्कुल भी नहीं था, बस तुम्हारे कहने पे कर दिया। सम्मान आप उसके इकलौते भाई, और बहुत कुछ दुनिया को दिखाने के लिए भी करना पड़ता है, सर पे बाप का साया नहीं है, अगर आपने भी कुछ ना किया तो दुनिया वाले हजार बातें करेंगे। सही कह रही हो तुम। वैसे कितने का लोन अप्लाई किया? 10 लाख का, इससे ज्यादा कर नहीं सकता था, फिर पे से भी डिडक्शन होनी है। अरे हाँ तनख्वाह से भी तो पैसे कटने हैं। चलिए खैर है, वो मैं संभाल लूंगी, बस एक बार इसकी शादी हो जाए ना, मेरा मतलब है हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाए। अच्छा थोड़ा देखभाल के खर्चा करना। हाँ ये देखभाल के खर्चा करने से मुझे याद आया कि सारे पैसे शनीला को उठा के मत दे देना, पता है क्या होगा फिर, या मेकअप आएगा या जूते आएंगे या ज्वेलरी आएगी, बस और कुछ नहीं होगा, और इस वक्त हम कोई फजूल खर्ची अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं नहीं मैं सारे पैसे तुम्हें ही ला के दूंगा, खुश